हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू पारिजात बोरो यूट्यूब चैनल। सो दायो आङो थांनो नागिरदो बिलासि पारायावहा मेकअपनि थाखाय ब्राइडल मेकअप। सो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आङो माबैसा मेकअप खालामो, दिनैनि लुकखौहा दायो आङो सब खोथाखौ फारि फारि बुंलांबाय थागोन, बोरैहाय मानिखि दिनैनि पुरा कन्टिनिउ पुरा जार्निखौ आं नोंथांमोनजोंहा शेयार खालामगोन। बिलासि पारासिम आं फर्स्ट टाइम थांगोन बिलासि पारायावहा। सो बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि दिनैनि बे ब्लगखौ नायलांबाय थादो आरो लोगोसे थांनानै हाबायावहा आङो देखायहैगोन। चलो बिदिब्ला आङो बिलासि पारासिम सुनुआ थांबोबाय, गाहायाव बुस्तुफोरखौ रोगाहैबाय, ओमफ्राय आं थांनोसै दायो। चलो बिदिब्ला। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जो भी हो। हाँ, तो मैं ना आज का जो मेरा डेली ब्लॉग मैं बोरो में ही बोलती हूँ रोज़, मतलब बोरो मैं बोरो में कंफर्टेबल हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ नया बोलूँ, मतलब मैं हिंदी में बोलूँ। मुझे एकदम हिंदी नहीं आता, इसीलिए आप लोग को बहुत ज़्यादा सॉरी, क्योंकि मैं हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब है मेरा हिंदी, इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ कभी भी हिंदी। रोज़ मैं बोरो में ही बोलती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आज ब्लॉग में हिंदी में ही बोलती हूँ, क्योंकि जो मेरा जो मतलब बोरो के अलावा भी जो लोग देखता है वो लोग भी जल्दी समझ जाए मेरा जो आज का ब्लॉग क्या होने वाला है, इसके कहानी में, ब्लॉग के कहानी में क्या है आज। तो आज है मेरा 26 दिसंबर। तो मेरा ये जो ब्राइडल बुकिंग 2 मंथ, मतलब 1.5 मंथ के पहले, मतलब 2 मंथ के पहले ही एक बिलासी पारा से मेरा कॉल आया दीदी। तो वो दीदी मुझे 2 मंथ पहले ही ब्राइडल बुकिंग कर दिया था, एडवांस बुकिंग करके। तो मैं आज वो फाइनली ये दिन आ गया। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये वीडियो में, मतलब ये जाने के लिए, ये ब्राइड रेडी करने जाने के लिए। तो आप लोग मेरे साथ चलो। बिलासी पारा बोंगाईगाँव टू बिलासी पारा बहुत ही चकाचक रास्ता है, मतलब रोड बहुत ही चकाचक है, बहुत ही अच्छा है। मुझे तो बहुत मज़ा आया इधर, पूरा हरियाली, मतलब क्या बोलूँगी, पहाड़, हरियाली, इधर खेत, देखो ना ये नज़ारा कितना सुंदर। मतलब मैं तो मतलब पूरा का पूरा रास्ता तो कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन जो थोड़ा कर पाई मैं ये सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। देखो कितना अच्छा है। सॉरी गाइस, मतलब मेरा हिंदी एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं बोरो ही बोलती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा मैं हिंदी बोलती हूँ, क्योंकि सब लोग समझ जाए इसलिए। तो मैं अभी अपने वाली हूँ। 2 आवर्स थोड़ा ज़्यादा लग गया। रास्ता बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और फर्स्ट टाइम मैं इधर धुबरी डिस्ट्रिक्ट में घुसी हूँ, मतलब मैं क्या बोलते हैं इसको, कौन सी जगह था, सापोर, ये जो सापोर है इससे मैं पार नहीं हुआ था, मैं पहली बार सापोर से पार हो गया। अभी पहुंच गया मैं फाइनली। हम लोग, मतलब मैं और मेरा जो हस्बैंड मिस्टर सुनू और जो हम लोग का एक सुनू का फ्रेंड, हम तीनों पहुंच गए बिलासी पारा। कौन है आपके पास? मनभाई भाई। सुनू का रिंग लाइट फिटिंग खालामना था। ये हम लोग फाइनली पहुंच गए दीदी के घर, मतलब वेडिंग डेस्टिनेशन में। अभी मेरा पूरा सेटअप रेडी करने वाली हूँ, मतलब मेरा जो मेकअप का सामान, फ्लावर सब मैं अभी रेडी करके मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ। ओ हो, लेकिन अभी तक मैंने दुल्हन को देखा नहीं, तो दुल्हन आने वाली है। आप लोग को तो दुल्हन को दिखाना पड़ेगा ना, मतलब ये देखो दुल्हन का लहंगा बहुत ही ज़्यादा भारी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर अच्छा है। ये देखो दीदी, हम लोग का दीदी, ये दीदी ने मुझे कॉल करके, मतलब ये जो शादी का बुकिंग किया था यही दीदी है। ये आज का दुल्हन है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट, ब्यूटीफुल, और मेकअप के बाद तो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाली हो। आप लोग देखते रहना, ठीक है। आपका मूवी दिखाना है? नहीं, हाँ, कैसे पता चलेगा आप कर रही हो या नहीं कर रही हो? अभी मेरा फोन आया है, वो ड्रॉयर में है। मैंने उस भाभी को बोला कौन है फोन कर सिलूं एक बार इस खांडू। हेलो हाँ बोल कि ये दुल्हन की मेकअप कर रही है, मैं वीडियो बना रही हूँ, बस उसी लायक हूँ मैं। ना ये मेकअप कर रही है, वो यूट्यूब में डालेंगे ना, उनके लिए वीडियो बना दे रही हूँ। बोल तू हाँ यूट्यूब चैनल पे डालेंगे, तेरे को लिंक दूंगी, तू सब्सक्राइब कर देना ठीक है। हाँ तू VIP है क्या? क्या ये तेरी जब तू जब शादी करे ना, दीदी को बुलाना, बोंगाईगांव से दिल्ली आएंगे मेकअप करने ठीक है। बोंगाईगांव से हाँ, ये एचडी और नॉन एचडी पे डिपेंड करता है ब्रो, ये डिपेंड करता है तुम कितने रिच हो। नहीं तेरे पास आईफोन है तो तू रिच ही होगा, लोगों का थिंकिंग है जो कि मुझे नहीं लगता है कि। हाँ बस एक दुल्हनिया नहीं है तुम्हारे पास, शक्ल ठीक कर ले हो जाएगा। हाँ तो उनको थोड़ी पता है तुम कौन हो, बेइज्जती कर भी दूँ क्या? बोल हाँ मैं भी इनको ही बुलाऊंगी अपने शादी पे 10 साल बाद। मुझे पता था ये वीडियो बनाएगी। हाँ वो रेडी हो जाए फिर दे दूंगी ठीक है। मेरी बहन नहीं, मेरी भाई की शादी है, हम शादी करके लेके आए ना कल। तो शादी करने गई? हाँ हो गया कल, आज पार्टी है, रिसेप्शन है। हाँ बेटा क्या कबूल है हो गया। चल बाय, वो मुझे नहीं पता, मैं बोल दूंगी बाद में तेरे को। मैं क्यों पूछूं यार, नहीं मैं नहीं पूछती, तेरे जैसा सेल्फ रिस्पेक्ट है तो मेरे पास। हाँ हाँ बाद में बोलती हुई यार बाय, गेस्टिक हुआ है मुझे बाय। हाँ बाय बाय चल निकल। पागल है क्या? चल मैं वीडियो दे दूँगी निमित, यहाँ पे नहीं यार, लोग कुछ अलग सोचते हैं। चल बाय। ये कुछ भी बोल रही है, पागल हो क्या भाभी आप? मतलब ना हस्बैंड एंड वाइफ ऐसे ही होते हैं, नहीं एक लेवल तो हम होते हैं, खाएगी उसके बाद छूट जाएगी। मगर इनका ऐसा नहीं है, इनका हस्बैंड पूरा कुकिंग करता है। राजू भाई बहुत अच्छा है। हाँ भाभी बहुत लकी है। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बोलना आज का जो ये मेकअप मेरा अच्छा लगा, कैसा लगा, और दुल्हन को कैसा लगा, कुछ डिफरेंट लग रही हो ना आप लोग को। मैं बोलती हूँ क्यों ज़्यादा सुंदर लग रही है दुल्हन, क्योंकि अभी तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है, फिनिशिंग टचअप बाकी है, अभी ज्वेलरी वगैरह पहनाना हो रही है, इसमें मुझे गड़बड़ लगता है हिंदी में। बाकी सब तो थोड़ा बहुत मेरा बोल लेना होता है। तो अभी मेरा होने वाली है मेकअप कंप्लीट, ज्वेलरी वगैरह पहनाने के बाद। अब लोग को कुछ डिफरेंट दिखा क्यों मैं बोलूँ, क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंस पहनाया है, मतलब आँखों में लेंस पहनाया है, इसीलिए आप लोग को ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। लेंस पहनाने से और ज़्यादा मेकअप उभर के आता है, वो भी ज़्यादा सुंदर लगती है, क्योंकि देखना कैसा लग रहा है। क्योंकि मैं इसको खोलने वाली हूँ इसीलिए क्योंकि दुल्हन थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। मैं तो ऐसा पूरा मतलब रिसेप्शन का पूरा रात भर तक दुल्हन को ऐसे सो के नहीं जाने वाली हूँ, अनकम्फर्टेबल फील करके मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, इसलिए मैंने बाद में लेंस को खोल लिया। कोई बात नहीं, इसे मतलब रीयूज़ कर सकता है। मैंने इसका डिब्बा लेके गया था, इसीलिए मैं सोच समझ के मैं डिब्बा लेके जाती हूँ लेंस का। तो मैंने बाद में लेंस को खोल दिया। आप लोग देखना दीदी को मतलब ब्राइड को लेंस खोलने के बाद भी ज़्यादा मतलब खोलने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। अभी थोड़ा मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, फ्लावर डेकोरेशन वगैरह और ज्वेलरी वगैरह। अभी मैं फटाफट उड़ना दे रही हूँ क्योंकि अभी गेस्ट आया है, तो गेस्ट को विदाई देके बाद में मेरा फिनिशिंग टच अप बाकी रह गया है। ये करके मेरा इसका छुट्टी, ओ नहीं छुट्टी नहीं, और दो दीदी है पार्टी मेकअप करेगा। और जो मेरा एक न्यू फ्रेंड, मैं इसका नाम पूछना ही भूल गया। मेरा एक न्यू मेरे साथ तो मुझे बहुत ही ख्याल रखा, बहुत ही केयर किया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे मिलके, सब लोग के साथ मिलके, क्योंकि मेरा न्यू फ्रेंड बन गया। मैं नाम ही पूछना भूल गया। तो जहाँ भी जाते हैं मेरा न्यू फ्रेंड बन जाता है। और मेरा जो ब्राइड होता है, ब्राइड भी जो मेरे से उम्र ज़्यादा है तो मेरा दीदी बन जाता है, और मेरे से जो एक साथ होता है मेरा फ्रेंड बन जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है न्यू ऐसे लोगों से मिलना। और आप लोग तो देख सकते हो ब्राइड कितना सुंदर, ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग गया है। मेरी ही नज़र लगने वाली है, ब्राइड का नाम ही पूछने भूल गया। तो ऐसे होता है कि शादी के घर में बहुत ही हड़बड़ी होता है, कुछ ना कुछ ऐसे मतलब कुछ बात में मुझे याद आ जाता है, ओ उसका नाम पूछना भूल गई है। कोई बात नहीं, बात में तो मतलब हम लोग का तो व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट होता ही है ना, तो मैं बात में तो जाबू ना क्या जाबू ना हम बाकी है अभी भाभी आरो लेंस टा बोलती ভাল লাগছে এন্ডিং তো ভাবে ডেঞ্জার লাগছিল সহ্য করতে পারবো ফুল একবার কি করলা দেখাই না দেখাবি ফুল একবার হাতে করে দাও কানকুলিটা কই কানকুলিটা নিশ্চিত না কানকুলিটা বেখো বনাंगोन दा ना मोनसेनिल जासे मोनसेनिल লাগি হয় রতনা और बाकी सब बेटी नहीं जा हो गया हो जादन खाना बनाना सिंनिफ्राय मा बायनिफ्राय तो मुझे अभी बुकिंग कर दिया। हाँ मैं अपने शादी पे आपको बुलाऊंगी, आप आना ठीक है? 10 साल बाद 10 साल बाद तब तक तो मैं पूरी हो जाऊंगी। इतना जल्दी है ना, बहुत जल्दी बुलाया। बहुत इसको शादी का बहुत मन कर रहा है। बहुत मन कर, बस पति ढूंढ लो मैं शादी कर लूँ। अभी बहुत जोर से शादी आया है इसको। मेकअप अच्छा लगा ना? हाँ मेकअप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तुम्हारे भाभी? हाँ मेरी भाभी। फिनिशिंग भी बहुत अच्छा। पार्टी मेकअप करोगी? हाँ मैं भी करूँगी अभी कुछ देर बाद। इन दोनों का भी पार्टी मेकअप कंप्लीट हो गया। कैसा लगा? सिंपल किया है, बॉडी ज़्यादा भारी नहीं है, लाइट पार्टी मेकअप इन दोनों का भी हो गया। और दो दीदी का भी पार्टी मेकअप हो गया। मतलब 1 घंटा थोड़ा ज़्यादा लगा, मतलब 4 जन है ना इसीलिए। तो ये दीदी का सिंपल पार्टी मेकअप किया है। अभी ज्वेलरी वगैरह नहीं पहना, ज्वेलरी पहनना चाहिए और ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो वो दीदी का भी किया है, जो ये लहंगा पूरा पहना है, वाइट जो वाइट जो चूड़ी पहना और जो बोलेगा अमेरिकन डायमंड जो दीदी पहना है ये दीदी का भी पार्टी मेकअप। तो आङो बे ब्लगखौहा हिन्दी रायलायना होनाय जाबाय मानोना आङो बिसोरो आंनि भिडिअ नायोथ' साबसक्राइबार आंनि आरो गोदान गोदान साबसक्राइबार लोगो मोनदों जितु बर' नङा तो बिसोरबो जाहाथे ब्लगखौ एसे बुजि मोनथो बिनि थाखायनो हिन्दी रायलायबाय एकदम गाज्रि मोननो नाङा इदि नङा जे आङो एकदम हिन्दी रायलायबाय थासिगोन कन्टिनिउ ब्लगआव सब ब्लगआवबो इदि नङा आं रायलाया हिन्दी आङो दिनैसो एसे रायलायना होनाय जाबाय आरो आंनि बे मेकअपखौहा नोंथांमोना माबैसा मोनो आरो दिनैनिखौहा माबैसा मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हर आं जोबोद मोजां नां गासिनिबो कमेन्टखौ फरायखायो आरो मोननैसो भिडिअ बाखि जाना दङ नोंथांमोना सेस्टा खालामगोन आं एसे थाबैनो लाबोनो थाखाय। दायो आङो थांगासिनो दङ हिन्जाव गोदानखौ बिदाय लानो थाखाय जेहेतु फुङाव फैदो दिनथु थादो गासैखौबो लोगो मोनबाय बिदाय लानोथ' नांगोन ना माथोबोथ' होनो नांगोन इनि थाखायनो आं गासैखौबो माथो होनानै थांखायो। दायो हाबानि बुकिं सोलिबाय दङ 2022 नि आरो नोंथांमोना जुदि हाबानि ब्राइडल मेकअप खालामनो गोसो दङबा माने हाबायावथ' दाना गासैबो ब्राइडल खालामखायानो जुदि आंखौ आंनि मेकअपखौहा मोजां नांदोंबा नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आङो डिसक्रिपसनाव आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना दोनखायोआनो नोंथांमोना थांनानै चेक खालामबानो जाबाय आरो क्लासनि डिटेल्सखौहा नोंथांमोना आंनि डिसक्रिपसनावनो मोनजोबखागोन आं होनानै दोनखायो। आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गासैखौबो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो आंनि माबाफोर बुंनायाव जुदि गोरोन्थि जादोंबा बेखौहा नोंथांमोना एकदमै गाज्रि मोननो नाङा मानोना आं एकदमै रायलायनायाव एसेबां एक्सपार्ट नङा आरो तो आङो जाबां जुबांसो रायलायो आंनि ब्लगाव एसेबां मोजां नङा आंनि रायलायनाया बिनि थाखायनो सॉरी। तो आज का मेरा ब्लॉग यही तक था मतलब खत्म होने वाली है होने वाला है सो मेरा हिंदी बोलना कुछ भूल हुआ मतलब कुछ रॉन्ग हुआ तो मुझे माफ़ करना मतलब सॉरी इसके लिए मुझे अच्छा नहीं बोलना नहीं आता है ना इसीलिए मैं फिर भी मैं कोशिश किया तो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट लिखना। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेगा आज के लिए यही था टाटा बाय बाय।